नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। श्री पीर साहिब राजे बख्शर महाराज दरगाह का 307वां और 15 मार्च से हुजरात पुल स्थित निम्बालकर की गोठ में होगा। इसकी जानकारी मठ के गद्दी नशीन संजय इतापे ने पत्रकारों को दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जीवंत उदाहरण बन चुकी पीर साहिब राजा बादशाह महाराज की दरगाह सभी धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। इस 3 दिवसीय उर्स में देश विदेश के हजारों जायरीन जियारत पेश करने आते हैं। इस उर्स में 2 दिन हिंदू रीति रिवाजों से पूजा अर्चना की जाती है तथा तीसरे दिन अर्थात दशमी को बाबा की पुण्यतिथि के अवसर पर बाबा की मजार पर कुल का छींटा संदल एवं कुशल तथा कुर्बानी की रस्में होती हैं। उन्होंने बताया, दोपहर में फकीरों का लंगर चलता है, सायंकाल 7 बजे से बाबा की मजार पर चादर पेशी एवं महाआरती होती है। ये बाबा का उर्स जो मनाया जा रहा है, कौन सा उर्स है ये और इसमें क्या क्या उसमें क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? सातवां उर्स बाबा का ये, और बाबा के जयरों द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसमें प्रथम दिन बाबा का रुद्राभिषेक है और ब्राह्मण भोजन का आयोजन, और शाम 7 बजे से दुर्गा संत दुर्गा मचकता का है, रात्रि 9 बजे माता का जागरण का आयोजन किया गया है। 16 तारीख को गुरुवार बाबा का महारुद्राभिषेक, जहाँ ब्राह्मणों द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन, जिसमें लाखों श्रद्धालु को बाबा को प्रसाद बांटा जाएगा। 17 तारीख के दिन 17 तारीख को बाबा का जो मुसलमान पद्धति से दशमी का जो होता है वो उस मनाया जाएगा, जिसमें सुबह बाबा का गुसल होगा, संडल होगा, और फकीरों को लंगर बांटा जाएगा एवं चादर पोशी का आयोजन। राजा बख्शर को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है, मतलब ऐसा क्यों? हिंदू मुस्लिम भाईचारे का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है जी। क्या कारण रहे हैं इसके? ये ऐसा कारण ये रहा है कि आज के समय में देखते हुए जो मतलब आपस में जो भिन्नता फैल रही है, उसको देखते हुए यहाँ पे जो एकत्रित होते हैं उसको लेकर में काफ़ी लोग यहाँ पे भाईचारे और जिनमें आपस में जो मेल मिलाप नहीं है वो। बादशाह साहब के गुरु कौन थे और किस प्रकार कहाँ के रहने वाले थे मूल रूप से? बाबा वैसे सातारा से 50-10 किलोमीटर जाकर के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में वहाँ के रहने वाले थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो बहू थी माना भाई, वो बाबा की शिष्य थी, तो उसकी शादी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे से हुई। शादी के बाद भी बाबा का चरागोशन करने आती डेली, बाबा के जो बाबा यहाँ रहने वाले थे। तो शादी के बाद में जब पानी काफ़ी पानी आया, नदी आई, तो उन्होंने काफ़ी उसका पीछा करा कि पानी रस्ते में कहाँ जा रही है। जब देखा तो बाकायदा नदी खुल गई और वो पार होकर उनको चरागोशन करके आई, तो फिर उन्होंने पूछा कि वो मेरे गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे में उनको चढ़ाई जाना जाती है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी जो वाइफ माना भाई और ताराबाई उनकी बहू थी, तीनों लेके बाबा को खादू सतारा लेके आए। वहाँ बाबा का लेकर के आए, बाबा ने वहाँ रहे बाबा, उसके बाबा ने वही पर्दा किया समाज। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।